Hi, this is Professor Mathiula, back with new video lecture. पिछले दो lectures में हमने नया section start किया था, that was about the endocrinology, जिसमें हमने endocrinology chemical messengers, उसकी types, और उसके बाद फिर हमने glands की बात की थी, endocrine glands की. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोन्स की, जो इस सेक्शन का एक मेजर पार्ट भी है और डिटेल्ड पार्ट भी है. हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स. ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से बन के अपना काम करते हैं और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं. जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, सो दे आर बेसिकली सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने वेरियस टाइप्स पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी, तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती है, रिलीज होती है. डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर, इन हार्मोन्स को हमने तीन हिस्सों में या तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है. इनको जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट टाइप है, दैट इज़ द स्टीरॉयड हार्मोन. चूँकि स्टीरॉयड इज़ इटसेल्फ फैट, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रोल एंड इट्स डेरिवेटिव्स. यानी इनकी जो कंपोजिशन है केमिकली वो कोलेस्ट्रोल से बनते हैं या डेरिवेटिव्स जो भी है इस कैटेगरी में, ये उनसे इनकी सिंथेसिस होती. ये सीक्रेट कहाँ से होती या रिलीजिंग पॉइंट इनका कौन सा ऑर्गन या पार्ट होता है बॉडी का, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. यानी एड्रिनल ग्लैंड में दो एरिया है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला, दैट इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज. फिर गोनेड से ये रिलीज होते हैं और प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा इज़ बेसिकली द जंक्शन जिसमें फीटस को जो न्यूट्रिशन की फरामी है वो पॉसिबल बनाई जाती है. नेक्स्ट कैटेगरी दैट्स द प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन इनको कहा जाता है. ये स्मॉलर यूनिट या लार्जर यूनिट ऑफ द प्रोटीन से बने होते हैं, पेप्टाइड से, और इनकी जो सीक्रेशन पॉइंट है या रिलीजिंग पॉइंट है प्रिंसिपल सेल से, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, द टॉप या द मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट ये पैराथायराइड से रिलीज होते हैं, जो थायराइड के टॉप पर चार की तादाद में मौजूद होते हैं. नेक्स्ट ये पेंक्रियाज से भी इनकी रिलीजी जो रिलीजिंग फैक्टर्स है या रिलीजिंग हार्मोन है वो पेंक्रियाज से भी रिलीज होते हैं. पेंक्रियाज गॉट टू फंक्शंस, एक डाइजेस्टिव और एक एंडोक्राइन के हवाले से. नेक्स्ट अगेन प्लेसेंटा से भी इनकी सीक्रेशंस जो है वो पॉसिबल होती है. द थर्ड टाइप दैट्स द टायरोसिन हार्मोन. ये जो टायरोसिन हार्मोन है ये बेसिकली अमाइनो एसिड टायरोसिन से इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, और इसमें सिर्फ दो हार्मोन्स जो है वो ऐसे जो इन केमिकल कंपोजिशन के हवाले से डिस्कस की जाती है. नंबर फर्स्ट द थायराइड हार्मोन एंड द सेकेंड इज़ द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स. यानी एड्रिनल मेडुला से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते वो सारे उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड से. अब इन तीन जो कैटेगरीज के हार्मोन्स है, चाहे स्टीराइड हार्मोन्स हो या चाहे पेप्टाइड हार्मोन्स हो या टायरोसिन हार्मोन्स हो, इनको एक शॉर्ट टेबल के ज़रिए डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि स्टीराइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन. जो स्टीराइड हार्मोन्स है, दिस इज़ द होल मेकअप ऑफ दिस सेक्शन या जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम इन सबको डिस्कस करेंगे. एल्डोस्टेरोन या कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जितने भी नाम है ये सारे इंक्लूडेड है इन द कैटेगरी ऑफ द स्टीराइड हार्मोन, जिसकी केमिकल कंपोजिशन कोलेस्ट्रोल से है या उसके डेरिवेटिव से. नेक्स्ट प्रोटीन हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ में ही हेल्प आउट करता है. TSH द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एक फैक्टर के तौर पर काम करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायरोक्सिन को
रिलीज करे। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन अगेन फॉर द एड्रिनल ग्लैंड, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेट्रॉफिक हार्मोन इन द डेवलपमेंटल स्टेज, ये हेल्प आउट करता है। देन प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन लेबर में, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड सोमेस्टोटेन, ये सारे जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन कैटेगरीज में इंक्लूडेड। लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द टायरोसिन हार्मोन, जिसमें थायरोक्सिन या T4 हार्मोन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ट्राई आइडोथायरोनिन, दैट इज़ T3 हार्मोन। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन इनको कहा जाता है। नॉन एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। देन द लास्ट वन इज़ डोपामिन, ये सारे हार्मोन्स जो है वो इंक्लूडेड है इन द डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट द हार्मोन्स, शॉर्ट डेफिनेशन, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स और फिर इसके टाइप्स केमिकली स्टीरॉइड फैट्स और उनके डेरिवेटिव्स है। देन प्रोटीन हार्मोन्स अगेन फ्रॉम द नेम जाहिर है कि प्रोटीन से बने हैं, रिलीजिंग किस एरिया से रिलीज होते, टायरोसिन इज द अमीनो एसिड। फिर ये कुछ हार्मोन्स है जो स्टीरॉइड, जिनकी केमिकल कंपोजिशन स्टीरॉइड प्रोटीन और डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन है। सो दिस लेक्चर इज अबाउट द हार्मोन, इट्स टाइप्स एंड सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की।